संसद में उठा मथुरा के दुखी किसानों का मुद्दा। किसानों की आवाज बनकर उभरी सांसद हेमा मालिनी। आइए सुनाते हैं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने क्या कहा। श्रीमती हेमा मालिनी जी, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पहले मंत्री जी माननीय मंत्री साहब, उत्तर सभा पटल पर रखा होगा। हेमा मालिनी जी, यस यस, मेरा क्वेश्चन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। तो मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान जो हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत ही बेनिफिशियल है, खुश है, लेकिन उनकी एक मांग है कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के समय बैंक द्वारा एक 12 सालाना डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है, जिसकी फीस भी ये किसानों को देना पड़ता है, जिसे वह बंद कराना चाहते हैं और इसे ऑनलाइन करने के लिए मांग है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि लोकल बैंक जो नो ड्यूज लेने का कहा जाता है, इसमें विजिट चार्ज, प्रोसेसिंग फी और फाइल चार्जेस किए जाते हैं, उसे समाप्त किया जाए, किसानों से अफिडेविट किया जाए। ये मेरी मंत्री जी से यही कहना है कि हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनके सुझाव के ऊपर ज़रा ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय जी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए जब प्रारंभ की, क्योंकि पहले किसान जो सेठ साहूकारों से अधिक ब्याज पर पैसे लेते थे, लेकिन ये योजना जब से शुरू हुई है तो ब्याज छूट के आधार पर योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान से 4% ब्याज वसूल किया जाता है और उसमें वो किसान जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी है। इसमें 1,60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ता और इसलिए इनके सुविधा की दृष्टि से RBI के गाइडलाइन के अनुसार उनको वो सारी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लगातार पिछले कई वर्षों से ऊपर तक पहुंचाने के लिए किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे एवं उनकी टीम व अधिवक्तागणों के द्वारा सदन में किसानों की मांग उठने पर खुशी जाहिर की गई। वैसे तो सरकार के द्वारा समय समय पर किसान हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसान हितैषी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसान नेताओं के द्वारा किसानों के शोषण को लेकर पिछले कई सालों से निरंतर मांग उठाई जा रही है कि 12 साला के नाम पर किसानों का शोषण खत्म हो। इस मांग को लेकर अधिकारियों से लेकर कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, सांसद हेमा मालिनी को अवगत कराया कि किसानों के द्वारा कृषि ऋण KCC लेते समय स्थानीय बैंक के द्वारा सर्च रिपोर्ट 12 साला की मांग करते हैं, जिसे बनवाने हेतु किसानों का 2,000 से 3,000 रुपये तक खर्च होता है, जो कि कतई गलत है। बैंकों के पैनल अधिवक्ता एवं बैंकों की मिली भगत से किसानों का आर्थिक रूप से शोषण कर वसूलते हैं। जगह जगह ऑनलाइन सिस्टम है तो फिर 12 साला सर्च रिपोर्ट को भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए, ताकि किसान हित में परम आवश्यक है। बैंक किसान को ऋण देता है तो उस किसान की संपत्ति को गिरवी रखकर बंधक बना लेता है। मजबूरी में किसान के द्वारा अपने किसी कार्य के लिए ऋण लिया जाता है। गरीब किसान की मजबूरी का बीच में बैठे हुए पैनल अधिवक्ता के द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है। जैसे ही छाता क्षेत्र के किसानों एवं किसान नेताओं को सांसद के द्वारा संसद में दिए गए किसानों के हित में स्टेटमेंट के बारे में पता चला तो वे फूले नहीं समाए और सांसद महोदया का धन्यवाद किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरांचल। मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं छाता तहसील के अंतर्गत यहाँ छाता तहसील में ही मौजूद हूँ, जहाँ के किसानों के कुछ नेता हैं, मसीहा हैं, किसानों की जो पहल करते हैं। करीब 11-12 व्यक्ति हैं जो कि किसानों के हर समय मदद के लिए लगे रहते हैं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक और जहाँ तक भी उन्हें जाना होता है बराबर जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन किसानों का साथ नहीं छोड़ते हैं। अब एक खबर हमने पहले भी दिखाई थी, किसान जो KCC अपनी बैंक से कराता है तो उसके लिए उल्टा सीधा खर्चा लिया जाता है। खर्चा क्या, करीब 3,000, 2,000, 2,500 जो मनमाना होता है वो वसूलते हैं, जो कि बीच में जो पैनल पर वकील होते हैं पैनल पर वो वकील लेते हैं, अगर वकील के पास ना जाए तो डायरेक्ट बैंक वाले कर्मचारी भी लेते हैं, यहाँ तक सुनने को आता है। तो आज हमारे यहाँ छाता के किसान हैं जो किसान नेता हैं, तो उन्होंने क्या कुछ पहल की है तो बात करते हैं हम उनसे। जी बताएं, आज क्या कुछ पहल की है आपने, क्या कुछ बताएं। हमारी
यशस्वी सांसद महोदय, उनसे लगातार प्रयास हमारे 12 साल का चल रहा था, तो उस विषय पर कई बार हमारी बातचीत हुई, हमारी पूरी टीम की बात है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं इस विषय को पार्लियामेंट में रखूंगा। आज उन्होंने 12 साल ऑनलाइन हो, किसानों के जो 3 चार्ज लग रहे हैं वो माफ हों, इसके बाद में जो 12 साल लेते हैं उसमें अन्य बैंकों से जो नोडूज मांगा जाता है वो नोडूज भी समाप्त हो, तो उन्होंने देश की सर्वोच्च सत्ता में ये विषय रखा और उस पर जल्दी कार्रवाई होने की उम्मीद है, क्योंकि उसने देश के लिए चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा हो, चाहे मथुरा की समस्याएं हों, जितना काम हेमा जी ने आज तक मथुरा में और राष्ट्र के किसानों के लिए कराया है वो सराहनीय है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 12 साल में जो खर्चा लग रहा है उसको ऑनलाइन होने से किसान से जो बीच में पैसा लिया जा रहा है वो समाप्त होगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हेमा जी किसी कार्य क्षेत्र में काम करती हैं उनका बहुत ही अच्छा सहयोग किसानों के साथ है, उन्हीं के सहयोग से जो योजनाएं किसानों के लिए बनी हैं वो विशेष लाभकारी, और ये पैसा किसान से 1998 से कट रहा है लगातार। भाई रेलवे का टिकट ऑनलाइन हो जाता है, हेलीकॉप्टर से व्यक्ति ऑनलाइन जाता है विदेश में, सारे पूरे विश्व की जानकारी ऑनलाइन कंप्यूटर से हो जाती है, तो किसान की 12 साल आए भाई इससे क्यों 2500 और 3000 रुपया वसूला जा रहा है। तो हमारी एक ही मांग है इसको ऑनलाइन हो जाए, और हेमा जी जो काम कर रही है हमारी टीम की तरफ से और मथुरा जिले के किसानों की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लगातार किसानों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि मैं एक मजदूर बरादरी से हूँ, हम उनसे रखते हैं, चाहे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी हों, चाहे हमारी हेमा जी हों, चाहे आदरणीय सूर्य प्रताप जी हों, और किसान इतने सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या कुछ सांसद में हेमा मालिनी जी ने कहा है और हमारे साथ में है भाई साहब, बताएंगे जी, बताएं क्या कुछ प्रस्ताव रखा है हेमा मालिनी जी। जी असल में हम लोग भले ही यहाँ एडवोकेट हों, लेकिन तहसील हेड क्वार्टर पर जहाँ हम अपना व्यवसाय करते हैं वहाँ किसानों से जुड़ाव रखते हैं जी, और इस जुड़ाव में ही हम लोग उनकी पीड़ा को समझ पाए हैं कि जब 12 साल और नोडूज के नाम पर किसान का बहुत बड़ा शोषण हो रहा था, दो से 5000 रुपए तक तो 12 साल के नाम पे लिए जाते थे, नोडूज के नाम पर समय नष्ट होता था जी। इन मांगों को लेकर के हमने कई बार हमने प्रार्थना पत्र, हमने भाई नेत्र अपना कर रहे थे भगवत स्वरूप पांडे जी, और हम सब ने अपने अजय सिंह जी यदवंशी थे, राम बाबू जी थे, अजय सिंह जी चौधरी साहब थे, कई एक लोगों के माध्यम से हमने अपना लेखन कार्य शुरू किया। उस लेखन में हमने मैं ये बता देना चाहता हूँ, माननीय हेमा मालिनी जी सांसद, वो केवल सांसद ही नहीं कुछ और भी हैं, निश्चित रूप से इस बात का प्रभाव हमें तब पड़ा जब समझ में आया कि हमारे इस प्रार्थना पत्र को भारत की सर्वोच्च जो संस्था है, मंच है, वहाँ एक एक सेकंड का जो बेसकीमती समय होता है वहाँ हमारे विषय को वहाँ रखा जो किसानों से संबंधित था। उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि इस मांग को निश्चित रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। हम उनके लिए अपने किसानों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से, अपनी टीम की ओर से, जो 11 सदस्यीय टीम किसानों के लिए तहसील लेवल पर काम करती है, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। यही हमें आशा है, उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं ये बड़े स्तर पर समाप्त होंगी, बहुत बड़ा लाभ इन किसानों को मिल पाएगा। जय हिंद। तो दर्शक हेमा मालिनी, जहाँ तक बताना है इनका कि किसानों के हित में भरपूर सहयोग कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, और जल्द से जल्द जो ये वकीलों का जो पैसा उल्टा सीधा लिया जाता है उस पर लगाम लग के ये ऑनलाइन सिस्टम किसानों के लिए किया जाएगा। छाता से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट।